उम्मीदों so, से शराब वगैरह की ठीक होगी दोस्तों वो मुख्त गेस्ट को बुलाता है और जो मुँह में आता है बोलते जाते हैं पिछले दिनों शाहवीर जाफरी के पॉडकास्ट में सिस्ट्रोलॉजी की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमे वो एक सॉन्ग को गाने को अल्लाह की तरफ मनसूब कर रही है अच्छा एक गाना है वो मेरा ख्याल से वो इंडियन गाना है सुन ले जरा हाथों में तेरी रेखाओं से ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है अरे वाह वाह वा, माशाल्लाह क्या बात है वा 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 वा। मुझे पता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद सिस्ट्रोलॉजी के निबे निबिया फैंस नीचे कमेंट्स में यही कह रहे होंगे कि इकरा बाजी कितनी परहेजगार है गाने में भी रब को ढूंढ लिया रब से कनेक्ट करने के लिए लोग पांच नमाजें पढ़ते होंगे ये पांच गाने सुनती होगी निशाब आयात छोड़ के हजारों अदीस छोड़ के एक लाख चौबीस हजार कोमो पेश असहा जिंदगी छोड़ के इस बाजी को रब गाने में मिल रहा है वो स्त्री है और वो कुछ भी कर सकती है अरे भाई हो सकता है मिल भी गया होगा मैं उसकी पर्सनल फीलिंग पे अटैक नहीं कर रहा हो सकता है उसको सॉन्ग में ही रब मिलता हो लेकिन ये बात पब्लिकली कहने वाली नहीं भाई छोटी बच्चियों क्या मुझे या किसी को भी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं मगर इस तरह की बातें अपनी शादियों में फंक्शन में हर जगह पे पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं करें हमने रोका करें मगर उसको पब्लिक ना करें इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है अपनी लाइफ में जो कोई बंदा जो कुछ मर्जी करे मगर जब वो किसी चीज को पब्लिकली एलानिया तौर पे कर देता है तो पूरे मुआरे का हक है अगर वो गलत कर रहा है तो उसको रोके चल बस बुलाएगा क्या जिस बंदे को मेरा ये पॉइंट समझ आ गया ना तो मुबारक हो आप मिच्योर हो गए हो प्यार तेरा प्यार तेरा, कर तू। कुछ तरीका है भीख मांगने का। है? बाजी नागल की हो गया नहीं हो गई? ऊपर से बाजी की आवाज भी बहुत प्यारी है ये बाजी बस कर अरे क्या? क्या है भाई भाई इसका। देखो इकरा बाजी जो भी आपके पास गानों की प्ले लिस्ट है ना वो अपने सब्सक्राइबर्स को बता दो ताकि वो सारे गाने वो दिन रात सुने और रब को पहचानने बैठ के ये साबित कर रहे हो <laughs> कैसी बात है पॉडकास्ट में बंदर बैठ के इंसानों को ज्ञान दे रहे हैं और इंसान सुन भी रहे हैं अरे यार मुझे तो लगा था ये इंसान है लेकिन ये तो खुद को जानवर कह रहे हैं ये दुकान पे भी जाते होंगे तो दुकानदार आगे से यही कहता होगा एक पैकेट कुत्ते के खाने के बिस्कट यहाँ भाई तुम लोगों की एवोल्यूशन हुई होगी से हम तो आदम की औलाद हैं जो इस दुनिया के पहले इंसान है हम तो उनकी औलाद भाई आप अपना देख लो शायद आप से ही हो, आप से क्योंकि ये खुद कह कह रहे हो मैं नहीं कह रहा हाँ। मजे की बात ये बाजी और भाई साहब दोनों का रिलीजन इस्लाम है और इस्लाम के मुताबिक हम सब आदम की औलाद हैं तो बेसिकली ये बाजी और भाई साहब इस्लाम के इतने बड़े बिलीव को हिट कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने ऊपर लेबल तो मुसलमान का लगाया हुआ है नाम तो इनके मुसलमान वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के लेबल वाले मुसलमान अपनी ही शादियों पे पूरी दुनिया के सामने नाचने से पहले भी और नाचने के बाद भी दुआएं खैर करते हैं जब ऐसे लोग मुआरे में सरेआम अपने थॉट्स शेयर करेंगे जिनके ऊपर लेबल मुसलमान का लगा हुआ है लेकिन उनके बिलीव्स मुसलमानों वाले नहीं तो आप खुद बताओ क्या होगा भाई वही होगा जो अब हो रहा है वाहिद इस्लामिक एट में ताकत होने के बावजूद हम हाथ पे हाथ धरे बस देखते रहेंगे की आज फलस्तीन में इतने बच्चे मर गए मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको क्यों समझा रहा हूँ पागल हूं मैं भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में उसकी वजह यही है भाई की पाकिस्तान में हुक्मरानों समेत अक्सर मशहूर और शख्सियात जो है उनके ऊपर लेबल तो बिलीव्स मुसलमान वाले नहीं फॉर एग्जांपल हमारे और चिंपन के अंदर hmm. डिफरेंस है। चिंपेजी और इंसान जो है अगर कोई एलियन आके हम दोनों की क्या जरूरत है हम कह रहे हैं आप एक ही हो <laughs> क्यूँकी आप खुद ये क्लेम कर रहे हो की आपके पूर्वज पहले बांदर थे बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं अच्छा अच्छा इसीलिए अपने ब्लॉग में ये बात कितने करते हैं हमारे ज्यादा क्लोजर कजन है वर्सेज गुरेल चिमपैनजी हमारे ज्यादा क्लोजर कजन है वर्सेज गुरिलाज वो गुरुलाज से ज्यादा दूर है हमसे ज्यादा करीब वो गुरल से ज्यादा दूर है हमसे ज्यादा करीब पॉडकास्ट में वो आने चाहिए। अगले पॉडकास्ट में आने चाहिए अरे अगले में क्या इसी में ऑलरेडी आए हुए हैं इस पॉडकास्ट में चिंपेन्जी के फर्स्ट कजन आए हैं ऐसा करो अगले में गुरिला को बुला लो यानी किसी और डेली व्लॉगर को अब ऐसा नहीं कि शाहवीर जाफरी के पॉडकास्ट में सिर्फ यही गेस्ट है जिनके जो मुंह में आ रहा बोलते जा रहे हैं यहाँ पे अक्सर जो भी आता है वो खुले हुए दिल के साथ नहीं खुले हुए मुंह के साथ आता है गया। <laughs> नहीं 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 नहीं। knows it. इनके ख्याल में बड़ा फखर वाला काम है ऐसे जैसे मोहल्ले में तरावियां पढ़ाई है हस्बैंड का क्लास फेलो डेटिंग शेटिंग रिलेशनशिप ये वो गाली कोई नहीं इनके लिए पीस ऑफ केक है और अपने ऊपर लेबल किस चीज़ का लगाया हुआ है मुसलमान इस तरह के लेबल वाले मुसलमानों का यही हिसाब है अगले दिन मुजरा अगले दिन पे चले जाते हैं फिर अगले दिन आके फिर मुजरा अभी भाई साहब के पॉडकास्ट में एक और मेहमान आई आया आई आया, आया क्या जेडा भी ये दफा है

बार बार यही बकवास करता हूँ अपने ऊपर से मुसलमान का लेबल हटा दो फिर जो कुछ मर्जी करो उसकी वजह यह है कि की जो यंग न्यू जनरेशन है बच्चे निभ्या, 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 बड़े हो रहे हैं अच्छा वो सब इनको देखते हैं और उनको क्या इमेज जा रहा है मुसलमान ये सारी हरकतें कर सकते हैं और सिर्फ इमेज नहीं जा रहा भाई यंग जनरेशन मोटिवेट हो रही है की ये सारी चीजें करने से तो बंदा फेमस हो जाता है मालामाल हो जाता है पैसे सेलिब्रिटी बन जाता है हीरो बन जाता है मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ आप देख लो हमारे पाकिस्तान में कौन हीरो

के शर्म की सारी हदें पार। अब मुझे नहीं पता उनका पीछे मकसद क्या है निजत क्या है लेकिन कुछ लोग इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले रहे हैं थी थी, इंटरनेट पे डेली मेरी बीवी बाथरूम में लोग हो गई और इसको क्रेंट क्रेंट कहते अभी खड़ा वकील साहब के साथ पिटिश डालने जा रहे हैं इनके खिलाफ और इनकी तो ऐसी करके भाई साहब जो भी है मेरी गुजारिश है की भाई ये पाकिस्तान है अफसोस के साथ कहना पड़ता है की यहाँ पैसे और पावर की चलती है बस आप ये एक्शन ले रहे हैं फायदा कोई नहीं होना फायदा तब होगा जब कौमी असेंबली में कोई कानून पास हो और वो तो मुझे अगले पचास साल तक नहीं नजर आ रहा खैर कोई बात नहीं हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपना अपना हिस्सा डालता रहे बस और आपका हिस्सा ये है कि आप इस वीडियो को कम अज कम लाइक तो करें लेकिन शेयर भी करें अगर आपको लगता है की मैंने सच बोला है वो कहते हैं ना की बंदा एक ही काफी होता है लेकिन वैसे पाकिस्तान में एक बंदा काफी नहीं अब जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूँ मेरे साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है अब देखो क्या मसला होता है और किसको मसला होता है कोशिश तो यही करता हूँ की शुगर में बात मोक जाए लेकिन फिर भी सीरियस हो ही जाती है वीडियो खैर कोई गाली अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक 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 करना मत भूलें लाइक से और कुछ नहीं बस नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन आ जाती है की भाई लोगों को पसंद आ रही है वीडियो ठीक है ना इसलिए लाइक 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 करना मत भूलें और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब भी करें ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज